आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेजी संत श्रमणि पंच वर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान इनको सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांत जो अद्वितीय कार्य हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार नेमिगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी प्रांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ, वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वे भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वे विशाल पंच कल्याण की संपन्न हुआ था, फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ, फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आने प्रथम बार बड़ में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। कुंतीनाथी भाग्यवान की, कुंतीनाथी भाग्यवान की। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम हम सम तम तम पम पम यम यमे श्रीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीमे द्रवै द्रवै नमते भगवते श्रीमती ओम रीम क्लोम मम पम खंडिकण हन हने तथास्तु 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 विराज भैया प्रतिपालिकानेन्द्र सामन तपोदनान दिश से राजस्य पुरस्य राग करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र।
સાક્ષાત્લે મૂર્તિ આ 40108 નેમી સગર જી મહારાજ કે ચરણ મે જલા દે અરિયમ નિરપામિતિ. હે ગુરુવર દયા સાગર જીવ શક્તિ મુજ મેં આજા, તેરે ચરણો મેં લીન રહું ભક્તિ રસ સબ પર છા જાવે. ઓમ રીમ શ્રી બુંદેલખંડ કે પ્રથમ દિગંબર જૈન આચાર્ય પૂર્વાચલ કે બાહુબલી અવધ કે શ્રી તીર્થક્ષેત્ર નૈમિ ગિરિ પ્રણેતા પરમ પૂજ્ય છે શ્રી સ્વર્ગદાય સાગરજી મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન તિન કે ચરણો મેં જલા દિયર્ગમ નિરપામતિ સ્વા નમોસ્તુ મહારાજ. સભી કો આશીર્વાદ. ઓમ નમઃ સિદ્ધિભ્યા. ॐ नमः सिद्धिभ्या. मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोतिमोगणि मङ्गलं कुन्दि कुन्द्यार्यो जीनिधरिमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं. बोले अहिंसा में जिन धर्म की બોલે વિશ્વ ધાર્મિકી શ્રી મનો ધાર્મિકી શ્રી વર્તમાન જીસસ કી મહાવીર ભગવાન કી ગિરી કી બ્રહ્મુલ કી શ્રી આદિશોર આદિનાથ ભગવાન કી શ્રી દ્વાદશાંગ જીન વાણી માતા કી વિદિચિત કી વિદ્યમાન વિષ્ણુ શંકર ભગવાન કી ઢાઈ દીપ મેં તીન કેમ નો કરોડે મહામુનિ ઋષિ રાજો કી જય. બોલે ભક્ત બરે મહામંડલ વિધાન કી બોલે આ ચાર ગુરુ બરે 108 પરમ તપસ્વી ચરી પરમિતિશી સંત શિરોમણિ પંચવર્ષ કી જલ કી ત્યાગી સ્વતંત્ર સેનાની જ્ઞાન વૃદ્ધિ તપો વૃદ્ધિ વયો વૃદ્ધિ વાત્સલ્ય મૂર્તિ આ 40108 નેમી સગરજી મહારાજ કી જય. બોલે બુંદેલખંડ કે પ્રથમ દિગંબર જૈન આચાર્ય પૂર્વાચલ કે બાહુબલી અવધ કે શ્રી તીર્થક્ષેત્ર નૈમી ગિરિ પ્રણેતા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ગુરુ રે 108 દયા સાગર જી મહારાજ કી જય. ભગવાનો યહાં પ્રસંગ ચલ રહા હે સટ આવશ્યકો કા જે શિવ કાર કે આવશ્યક હમારી જીવન મેં અતિ આવશ્યક હે. ઉન આવશ્યકો મેં સે દીવ પૂજા. દીવ પૂજા કે સાથ દૂસરા આતા હે ગુરુ ઉપાસતિ. ગુરુઓ કી ઉપાસના કરના. ગુરુ હમારે લીએ પ્રત્યક્ષ હો યા પરોક્ષ હો હમારે ગુરુ હે. ઉને ગુરુઓ કી હમારે લીએ किस प्रकार से उपासना करना है, किस प्रकार से हमें उन गुरुओं को अपने जीवन में बसाना है, किस प्रकार से उन गुरुओं के चरणों में अर्पित होकर समर्पित होकर हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, हमें किस प्रकार से उनसे संयम प्राप्त करना है और किस प्रकार से हमें उनसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है. इस सब बातों पर ध्यान देते हुए हमें गुरु कौन है, हमारे जीवन में गुरु शब्द की परिभाषा है गु धन रु. गु शब्द गुरु शब्द को दो भाग में कर दिया, एक गु शब्द हो गया एक रु शब्द हो गया. गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश. ये हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़ा कर दें, पापाचारों से बचा करें, पुण्य क्रियाओं में जो हमें लगाकर खड़ा कर दें, वह हमारी जीवन में हमारे लिए कौन है, गुरु है. ऐसे गुरु आज हमारे आपके लिए हमारे भाग्य से
हमारी सौभाग्य से, परम सौभाग्य से हमें आज हमें दिगंबर गुरुओं का सुसमागम प्राप्त हो रहा है। वैसे तो हमारे आचार्यों ने, नीतिकारों ने कहा है कि सबसे पहला गुरु कौन है, वे हमारी माँ है। ये हमें गर्भ अवस्था में ही अच्छे अच्छे संस्कार दिया करती है। हमारे कुंदकुल आचार्य महाराज भी उनकी माँ ने, मदरसा ने ऐसे सुसंस्कार दिए जिस सुसंस्कार से वे बालक 8 वर्ष की उम्र होते ही और वह दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर लेता है और 12 वर्ष की उम्र पाकर वे बालक वे महामुनिराज आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी घोर तप साधना करते हैं जिस साधना के फल स्वरूप वे साक्षात अरहंत प्रभु के समुषण में विदेश क्षेत्र में श्रीमंदारादी के समुषण में पहुँच करे साक्षात दर्शन करे दिव्य देशना को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा सुसंस्कार कहाँ मिला, माँ की गर्भ अवस्था में। तो वे प्रथम गुरु माँ हुआ करती हैं, फिर इसकी उपरांत पिता सुसंस्कार और दिया करते हैं। संगति किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से अपना चाल चलन आचरण करना है, इसका संस्कार हमारे पिता दिया करते हैं। तो पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु हुआ करता है वह अक्षर ज्ञान को सिखाने वाला, जो आज स्कूल आदि हुए हुआ करते हैं। स्कूलों में जो हमारे आपके लिए आ ए ई उ आदि सिखाया जाता है, 1 2 3 4 आदि सिखाया जाता है, वे अक्षर ज्ञान अंक ज्ञान को सिखाने वाले गुरु हुआ करते हैं। इसकी प्रांति घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, तो आर्थिक के अभाव में हमारा जीवन नहीं चला करता है। तो अर्थ को सिखाने वाला भी कोई गुरु हुआ करता है और उसकी उपरांत धर्म का संस्कार देने वाला धर्म गुरु हुआ करता है। इसकी उपरांत प्यारे बंधुओं, जब आप इन सभी प्रकार के गुरुओं से त्रस्त हो जाते हैं, इन गुरुओं से संस्कार पाके आप जब आगे बढ़ते हैं, तो मुझे मालूम होता है कि हमारे दिगंबर वितराग हैं, हम सबसे बड़े सुखी हैं। लेकिन जब दिगंबर साधु को देखता है तो अरे इनसे बड़ा कोई और सुखी कोई दूसरा नहीं है। तो उनकी प्रांति वे उनके चरणों में अर्पण और समर्पण कर देता है, चाहे वो हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ हुए और चाहे हमारे महामुनिराज, आप में कितने बड़े पूंजीपति, कोई चक्रवर्ती था, कोई कामदेव था, कोई और भी और मंडलिक आदि बड़े बड़े राजा थे, वो राजा किसके चरणों में झुक जाते हैं, दिगंबर का करते हैं। और दिगंबर साधुओं के सामने इच्छा प्रकट करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस पद पर हैं उस पद पर हमें यथावत शासन का पालन कर सकें, जन प्रजा का पालन कर सकें। तो प्यारे बंधु, हमारे दिगंबर गुरु अपने आप में कि महान गुरु हुआ करते हैं। ऐसी गुरुओं को हम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको सुसाधने अवश्य ही प्राप्त होते रहेंगे और धीरे धीरे आप सुसाधनों को छोड़कर
भगवान बाहुबली के पास कोई साधन की कमी थी क्या? क्या हमारे भरत प्रभु के पास कोई साधन की कमी थी, कोई धन वैभव की कमी थी क्या? नहीं, लेकिन उसकी उपरांत भी उनने उसका त्याग करके और वे दिगंबर गुरु बने और परम क्रम से आत्म साधना करे निर्वाण को प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार से हम प्रत्येक भव्यात्माएं भी अपने जीवन में गुरुओं की उपासना करें, अपने जीवन में परम पुण्य को प्राप्त करते हुए परंपरागत निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहें और साथ ही साथ गुरुओं का आदेश निर्देश उपदेश संदेश हमें जो मिले हम उसे पूर्णतया स्वीकार करें। जबकि वर्तमान में अभी आप प्रतिदिन 242 दिन का भक्तामर विधान निरंतर प्रतिदिन कर रहे हैं और इसी बीच में आपको 18 अगस्त से 27 अगस्त तक विशाल जो आपने आज तक देखा नहीं सुना नहीं किया नहीं वे सांस्कृतिक महाविधि जिन आराधना विधान का कार्यक्रम में इसी तीसरी नेमिगिरी नेमिनगर के विशाल मंदिर के अंदर संपन्न होगा। आप उस विधान में सहभागी बनकर अपने अरहंतों की सिद्धों की एवं अपने रिद्धिधारी आदि आदि महामुनीश्वरों की पूजा अर्चना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले विधि क्षेत्र के सरस्वती महाविधान आराधना की जय, बोले भक्तमर महामंडल विधान की, बोले आचार्य गुरु वरिष्ठ आठ परम तपस्विचारी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय।